नमस्कार। आज 5 दिसंबर को वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले व मार्क्सवादी समन्वय समिति के द्वारा बोकारो जिला मुख्यालय के पास शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना के माध्यम से किसानों के देशव्यापी आंदोलन का समर्थन व केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। धरने के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक समारोह पत्र उपायुक्त बोकारो जिला के माध्यम से भेजा गया। इस अवसर पर धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने केंद्र सरकार की किसान व मजदूर और आम जनता विरोधी नीतियों का जोरदार विरोध किया। सरकार की इन जन विरोधी कदम की कड़ी निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा, सरकार अब किसान के उपज के साथ साथ उनके जमीन को भी कॉरपोरेट व बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी साजिश की तहत छीनना चाहती है, जो गलत है। और हम लोग किसानों के साथ समर्थन में है तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, और हम लोग किसानों के साथ समर्थन में खड़े हैं। वहीं समर्थन में नेता बीडी प्रसाद ने कहा कि धरना प्रदर्शन हो रही है, आपकी क्या मांग है? ये हमारा आज के प्रदर्शन जो वामपंथी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, जनवादी पार्टियां भी इसमें शामिल है, इसमें सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआई माले है और मार्क्सवादी समन्वय है, और बाकी इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी पार्टियां भी राष्ट्रीय। आज का इसका जो किसान जो लगभग आज 10 दिन से दिल्ली में जाकर के बाहरी किनारा पर सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया, दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, और उनकी मांग है कि जो केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाया है किसानों के खिलाफ में, किसानों के नाम पर बनाया कृषि कानून 2000, उसके हिसाब से किसान का हक को छीनने का सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर दिया। पहला नंबर यह है कि किसान में जो जमीन पैदावार होते थे तो उसका जो पैदा होने के बाद मार्केट में जाता था, उसका एक जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उस पर बेचते थे, कोई नहीं लेता था तो सरकार को। अभी वो मिनिमम प्राइस जो है वो ख़त्म करने का उसमें व्यवस्था है, सरकार झूठ बोल रही है हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा व्यवस्था ख़त्म कर रही है। नतीजा क्या होगा, वो पूरा दाम का पौने पौने दाम में पीछे, और जो बड़े व्यापारी जो कॉरपोरेट घराने को जो लाने का कोशिश, अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाने की कोशिश है, वो उसके सामान को सस्ता न खरीदेगा और फिर जब मार्केट से चला जाएगा उनके स्टॉक में अब तो उसके बाद वो महंगा में उसको बेचेगा। जो उपजाया है वही जो उपभोक्ता बनेगा, गरीब किसान लोग मजदूर लोग, वो फिर ज़्यादा ज़्यादा दाम में उसी को खरीदना पड़ेगा। तो बेहद गलत कानून है ये, किसान आम जनता का खिलाफ। दूसरा है कि अभी भंडारण का जो व्यवस्था है वो सरकार के यहाँ वो खरीद कर, अभी जो जमाखोरी करने का एक सीमा है उससे ज़्यादा वो जमा नहीं कर सकते भंडारण, उस पर सरकार रेड करती है, दबिश डालती है। अभी क्या है, अभी पूरा इन लोगों को छूट दे दिया जाएगा, बड़े बड़े गोडाउन बनाना शुरू कर दिया अडानी अंबानी सरकार का घोषणा के बाद, और पहले से तैयारी चल रहा। अभी क्या होगा, पूरा वो गोडाउन उनका भर जाएगा और वो वहाँ पर जितना जमाखोरी करना करेंगे फिर जितना दाम कर देंगे। तीसरा जो कंट्रैक्ट सिस्टम जो रहा है जमीन का, अभी तो किसान का मालिक छोटा है बड़ा जो भी अपना अपना कर रहा है, अभी उनका पैदावार जो चंपारण का जो किसान हो रहा था उस समय जो अंग्रेज शासन हुकूमत जो था उन लोग किसानों को बोलते थे नील पैदा करो, उनमें जिसमें फ़ायदा था वही पैदावार लगाने को। आज भी ये कंट्रैक्ट सिस्टम में यही करने जा रहे हैं, बाजार में जो बड़े पूंजीपति को जो ज़रूरत है किन चीज़ों से उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा उसको पैदा करने के लिए बोलेंगे, और समाज का जो ज़रूरत है वैसे पैदा पर रोक लगाएंगे और वो कंट्रैक्ट सिस्टम वो ज़मीन ही ले लेंगे और उस पर दिवस। क्या ये एक दिवसीय धरना है? हाँ, ये एक दिवसीय धरना है, और
एक जो बहुत बड़ा जो एक कानून और भी है जिसके बारे में आप लोग को ध्यान जाना चाहिए, सरकार जाना, वो है वो बिजली कानून 2020। वो जो कानून अभी बिजली है जो अभी सरकार पैदा करते हैं, हमारा अब NTPC है, DVC है, जो सरकारी हमारा जो इंटरप्राइजेज है, ये लोग पैदा करते हैं अभी सस्ता दाम, एक तरह से कहिए कि मेरे को 4 रुपया 5 रुपया 4.5 रुपया पर यूनिट मिल जाते हैं, लेकिन अभी जो बिजली बिल लाए हैं उसके बाद बिजली का दाम कम से कम 10.5-11 रुपया पर यूनिट हो जाएगा। अब किसान को कहाँ से बिजली पर खपत होगा, बिजली नहीं ले सकते, डीजल भी उनको सस्ता नहीं मिलेगा, सारे जितना भी पैदावार का सामान है, डीजल, बिजली, बीज, खाद, सारा का सारा चीज़ महंगा हो रहा है, और ये सरकार इनके साथ बहुत ही अदबी से पेश आ रहे हैं किसानों के साथ, पूरा देश का किसान वहाँ खड़ा है। तो हम वामपंथी पार्टियाँ उनके मांग का समर्थन में है, हम चाहते हैं, मांग करते हैं, ये जो तीनों कृषि कानून है जो किसान का खिलाफ है, बिजली कानून किसान का खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, उसको वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं होता, सरकार ये तीनों वापस नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? इसके बाद जो किसान समिति है, जो समन्वय समिति इनका काम कर रहा है दिल्ली में, वो जैसा आंदोलन का आह्वान करेंगे उसके हिसाब से हम लोग उसका आंदोलन में जाएंगे। जैसे कि अभी इन्होंने आह्वान किया है, अभी जैसे आज सभी जगह पुतला जलाना पूरे देश में हो रहा है, और 8 तारीख को भारत बंदी का आह्वान किया, उस दिन आम रूप से बस ट्रक जितना स्कूल विद्यालय कोर्ट कचहरी सभी बंद करेंगे, से आह्वान किया। हम लोग उसके लिए अपील करेंगे लोगों से, वामपंथी पार्टियां भी किसानों को समर्थन कीजिए, उनको मांग को जलाने। मेरा नाम BD प्रसाद है, CPIM का जिला सचिव।